हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एशिया कप 2022 के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में शारजा के शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर 30 अगस्त को शाम के 7:30 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो ना, आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहाँ पे आपको सभी मुकाबलों की फैंटेसी टीमें मिलने वाली है। आपको बस सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और जल्दी से मेरे को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ पिच रिपोर्ट के बारे में, तो शारजा का जो मैदान है ना, वो वैसे काफ़ी ज़्यादा छोटा है, बाउंड्रीज बहुत ही छोटी है इस मैदान की, तो छक्के चौके मारना बिल्कुल भी मुश्किल होने नहीं वाला। हालांकि ये जो ट्रैक है, इसमें स्पिनर्स को हेल्प मिलने वाला है, इस वजह से जो भी टीम टॉस जीतेगी ना, पहले गेंदबाजी करना चाहेगी। स्पिनर्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाले इस मुकाबले के अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बांग्लादेश के बारे में, जिनका ये पहला मुकाबला इस साल के एशिया कप का, और टीम ना इस मुकाबले के अंदर जीतना चाहेगी। देखिए, बांग्लादेश की टीम में काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। शाकिब अल हसन फिर एक बार टीम के कप्तान बन चुके हैं, तो वापस से शाकिब अल हसन बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो चाहे कप्तानी हो, हर जगह अच्छा करना चाहेंगे। आफीफ हुसैन को टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया है, एक काफ़ी युवा बल्लेबाज है, टीम ने इन पर ट्रस्ट किया है। वो लोअर ऑर्डर के अंदर अच्छी बल्लेबाजी करना चाहेंगे अपनी टीम के लिए। बाकी बल्लेबाजी के मुशफिकुर रहीम एक बहुत ही बड़ा नाम है इस टीम के। मिडिल ऑर्डर के अंदर मुशफिकुर रहीम जो है ना, उनको अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और टॉप ऑर्डर के अंदर आपको मोहम्मद नईम खेलते हुए दिखाई देंगे। मोहम्मद नईम ने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी कुछ डिसेंट पारियां खेली थी। महमूदुल्लाह रियाद एक और काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं इस टीम के, उतनी गेंदबाजी तो नहीं करते लेकिन बल्लेबाजी के अंदर फिर एक बार वो कमाल करना चाहेंगे। तो ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है बांग्लादेश की टीम में, जो कि बल्लेबाजी में टीम के लिए अच्छा करना चाहेंगे। अगर मैं बात करता हूँ गेंदबाजी के बारे में, तो तेज़ गेंदबाजी को लीड करेंगे मुस्तफिजुर रहमान, T20 स्पेशलिस्ट हैं। इस पिच को देखते हुए ना, उनकी कटर्स बॉल काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी बांग्लादेश के, एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे। फिर बाकी तेज़ गेंदबाज में इबादत हुसैन आपके पास हैं, की अहमद आपके पास है। स्पिन गेंदबाजी के अंदर नसुम अहमद एक बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करते हैं इस टीम के लिए, पिछले साल भी काफी शानदार खेले थे, इस ट्रैक पर उनको हेल्प भी मिलने वाली है। फिर मेहदी हसन का भी ऑप्शन है टीम के पास। तो बांग्लादेश की टीम के अंदर कुछ काफी सारे बदलाव हो सकते हैं, एक बहुत ही नया अप्रोच दिखाएगी टीम इस मुकाबले में। इनकी प्लेइंग 11 क्या होगी, इसके बारे में बात करना काफी मुश्किल है, लेकिन जितने मैंने आपको प्लेयर बताया ना, वो बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करने वाले हैं इस मुकाबले के अंदर। अब मैं आपसे बात करता हूँ अफगानिस्तान के बारे में। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी कहा था कि अफगानिस्तान की जो टीम है ना, वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ही कमाल खेलती है, और जो यहाँ की पिच है वो भी इनको रास आने वाली है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि बांग्लादेश और श्रीलंका को अफगानिस्तान से ज़्यादा मौके मिलते क्यों हैं। अफगानिस्तान के पास एक बहुत ही डेंजरस टीम है, खासकर शारजा के मैदान पे, जहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिलने वाला है। वहाँ तो अफगानिस्तान के पास क्या टीम है, मोहम्मद नबी, राशिद खान और मुजीबुर रहमान, ये तीनों स्पिनर्स किसी भी मैदान पर अच्छा कर सकते हैं। इस मैदान पर तुमको हेल्प भी मिलने वाला है। फिर एक बार ये तीनों स्पिनर्स ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे इस मुकाबले में। पिछले मुकाबले के अंदर भी ये दोनों काफी शानदार खेले थे। इस टीम की अच्छी बात ये है ना कि टीम की तेज गेंदबाजी इंप्रूव हो गई। उमर गुल इस टीम के बॉलिंग कोच हैं, और उनके आने के बाद फजलुल फारूकी और नवीन उलक की जो तेज गेंदबाजी की जो जोड़ी है ना, इन दोनों ने बहुत ही कमाल का काम किया है। तो गेंदबाजी एक बहुत ही स्ट्रांग पार्ट है अफगानिस्तान की टीम का, और शारजा की पिच को देखते हुए अफगानिस्तान की बल्लेबाजी बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है। बल्लेबाजी मैंने आपको पहले भी बताया था, रहमानुल्लाह गुरबाज और हजरतुल्लाह जजई ये दोनों ओपनर्स हैं इस टीम के, और दोनों काफी अग्रेसिव बल्लेबाजी करते हैं। पिछले मुकाबले के अंदर भी काफी शानदार खेले, कंटिन्यू करना चाहेंगे। और मिडिल ऑर्डर के अंदर मोहम्मद नबी है, नजीबुल जदरान है, तो अफगानिस्तान के बल्लेबाज फिर एक बार अच्छा कर पाए ना, तो बहुत ही कमाल बात होगी। टीम की बॉलिंग बहुत ही स्ट्रांग है और इस पिच के ऊपर बहुत कमाल कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं प्लेइंग 11 के बारे में, तो हो सकता है टीम एक बदलाव करे इस मुकाबले में। टीम पिच को देखते हुए ना, नूर अहमद को शामिल कर सकती है इस मुकाबले में, एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज है, इनकी स्पिन बॉलिंग और स्ट्रांग कर सकते हैं। तो अफगानिस्तान के लिए ओपन कर सकते हैं हजरतुल्लाह जजई और रहमानुल्लाह गुरबाज, नंबर 3 पे इब्राहिम जदरान, नंबर 4 पे नजीबुल्लाह जदरान, नंबर 5 पे मोहम्मद नबी, नंबर 6 पे करीम जन्नत, नंबर 7 पे राशिद खान, फिर नवीन उलहक, फजल हुक फारूकी, नूर अहमद, और आखिरी में आएंगे आपके लिए इस मुकाबले में मुजीबुर रहमान। तो जरूर से एक बहुत ही स्ट्रांग टीम अफगानिस्तान के पास, और टीम इस मुकाबले में जीतना चाहेगी। आप कमेंट करके बताएं मुकाबला कौन जीतेगा, वो टीम होगी अफगानिस्तान, वो टीम होगी बांग्लादेश, का बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली है कुछ इनके ऊपर।
मेरी पिक होने वाली इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम। मेरे को लगता है अफगानिस्तान गेंदबाजी बहुत ही स्ट्रांग है और वो इस मुकाबले में अच्छा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किया चैनल को इस तरह वीडियो देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।